जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बस्तर फाइटर्स संबंधित प्रमुख अपडेट की। ये कांकेर जिले से, उत्तर बस्तर कांकेर जिले का ये आया हुआ है और सभी जिलों में इसी प्रकार से तारीखें तय होंगी। बात इसकी हो रही दोस्तों, जो प्रत्येक जिले में 300 पद आए हुए थे बस्तर फाइटर के, उसके लिए समय सारणी घोषित कर दी गई। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चूंकि पहले ही फिजिकल की डेट दोस्तों आ चुकी थी, तो यहाँ पे देखिए कि निर्धारित समय सारणी संशोधन किया गया है। जो पहले समय सारणी आई थी उस पर संशोधन कर दिया गया है। इसके बारे में और भी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा। पहले आप लोग ये देखिए, प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक मापतौल एवं शारीरिक प्रवणता जो सूची है वो 9/5/2022 मतलब 9 मई से 21 मई के बीच में आपका फिजिकल ले लिया जाएगा, शारीरिक मापतौल भी कर ली जाएगी। उसके बाद लिखित परीक्षा कार्यक्रम होगा। लिखित परीक्षा कार्यक्रम में देखिए 5-6 ठीक है मई की बात, मतलब जून, 5 जून को आपका लिखित परीक्षा कार्यक्रम ले लिया जाएगा। फिर उत्तर पुस्तकों का मूल्यांकन 10 दिनों में आपका 15 जून तक मूल्यांकन कर दिया जाएगा। 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद 8 जुलाई को आपका क्या किया जाएगा, यहां पर अनुमोदन आपका भेज दिया जाएगा ठीक है, चयन सूची। उसके बाद आपका जो अंतिम जो चयन सूची प्रकाशन होगा वो 15/7/2022 तक आपका जो चयन सूची है वो बिल्कुल जारी कर दी जाएगी। तो इस प्रकार का समय सारणी पूरा बस्तर फाइटर के यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों ये जो समय सारणी आया हुआ है और इसमें जो 9 मई से आपका फिजिकल रखा गया है, उस फिजिकल के बारे में दोस्तों मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे स्क्रीन पे, ये जो आपका राजपथ राय था उसके बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपका शारीरिक माप का मान, यहाँ पे शारीरिक माप का मान लिया जाएगा आपको उसी दिन। उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा। तो फिजिकल की अगर मैं बात करता हूँ तो फिजिकल ये बस्तर फाइटर का फिजिकल है। यहाँ पर देखिए 100 अंकों का फिजिकल होगा आपका और इसमें लंबी कूद होगी 20 अंक की, ऊंची कूद होगी 20 अंक की, गोला फेंक होगा 20 अंक का, 100 मीटर की दौड़ होगी 20 अंक की और 3000 मीटर मतलब कि 3 किलोमीटर की दौड़ होगी 20 अंक की। तो इस प्रकार के 5 फिजिकल रखे गए हैं आप सभी के लिए, तो इनको आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। साथ में यह भी कहा गया है कम से कम 60% अंक अनारक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थी के लिए तथा 50% अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें लाना इंपॉर्टेंट है। मतलब 100 में से अगर 60 नंबर लाएंगे जनरल वाले तो ही इसमें क्वालिफाइंग कर पाएंगे और 50 नंबर लाना होगा अन्य कैटेगरी वालों को। आगे बात करता हूँ दोस्तों, ये जो फिजिकल होगा उसके बाद 15 गुना जो अभ्यर्थी है ठीक है, 15 गुना जो अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को आगे जाने का मौका मिलेगा और वो रिटर्न एग्जाम दे पाएंगे। और अगर मैं लिखित परीक्षा की बात करूँ तो हम देख पाएंगे कुल 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। कितने अंकों की? 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। और इसमें किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं बात कर देता हूँ। यहाँ पे छोटा सिलेबस आप समझ सकते हैं कि इसमें सामान्य ज्ञान ठीक है, बुद्धिमत्ता विश्लेषण मतलब कि रीजनिंग विश्लेषण क्षमता और अंक गणित मतलब मैथ्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपको कुल मिलाकर 50 नंबर का GS और मैथ्स रीजनिंग मिला करके इसमें यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, आपको सिर्फ टिक करना है ठीक है। आगे मैं बात करता हूं तो लिखित परीक्षा का संचालन इस प्रकार विभाग आधार पर किया जाएगा। उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू भी होगा दोस्तों। तो साक्षात्कार के लिए आपको अधिकतम 20 अंक यहां पे दिए जाएंगे, मतलब 20 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग की पूरी जो चयन प्रक्रिया है वो इस प्रकार से हो जाएगी। आपको फिजिकल लिया जाएगा, फिर लिखित परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार के लिए 20 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो आप लोग पूरी चीज़ समझ गए होंगे दोस्तों और ये सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और आप लोग का पूरे समय सारणी बस्तर फाइटर का आ गया है बस्तर संभाग के लिए। 2100 कुल मिलाकर सभी, अगर मैं जिलों की बात करूँ तो कुल 2100 पद वहाँ पे आए हुए हैं और जो कि 7 जिलों में विभाजित है। तो प्रत्येक जिले में 300-300 पद वहाँ पर आए हुए हैं ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।